दोस्तों आज हम बात करेंगे सौरभ जोशी व्लॉग्स की बायोग्राफी के बारे में। सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल आज इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉगिंग चैनल भी बन चुका है। सौरभ जोशी व्लॉग्स का रियल नेम सौरभ जोशी है और यह पेशे से एक यूट्यूबर है। सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को उत्तराखंड के देहरादून शहर में हुआ था और फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ हरियाणा के हांसी शहर में रहते हैं। सौरभ जोशी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके कारण इन्हें अपने शुरुआती समय में फाइनेंशियल समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। पहले सौरभ अपनी पूरी ज्वाइंट फैमिली के साथ देहरादून में रहा करते थे, लेकिन वहां पर सौरभ के पिता को कोई काम न मिलने के कारण ये अपनी फैमिली के साथ हरियाणा में शिफ्ट हो गए। लेकिन हरियाणा में आकर भी सौरभ के पिता को कुछ अच्छा काम नहीं मिला और यहाँ पर भी इनकी फैमिली को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उस वक्त सौरभ के पिता अपना परिवार चलाने के लिए हर वह छोटा बड़ा काम किया करते थे जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल सके। सौरभ जोशी ने अपनी स्कूली पढ़ाई देहरादून से ही की। इन्हें बचपन से ही ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था, इसलिए इन्होंने 12th क्लास पास करने के बाद ड्राइंग में अपना करियर बनाने की सोची और वह खुद से ही प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन ड्राइंग में लगातार मेहनत करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके कारण सौरभ ने ड्राइंग से संबंधित कई सारे कोर्स भी किए, जिसमें इन्होंने BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का भी कोर्स किया। सौरभ जोशी को उनके छोटे भाई साहिल जोशी ने ही उन्हें यूट्यूब पर ड्राइंग का हुनर दिखाने का आइडिया दिया था, जिसके बाद से सौरभ ने अपने मोबाइल से ड्राइंग बनाने का वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया। शुरुआत में तो सौरभ जोशी का कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन 150 से 200 वीडियो अपलोड करने के बाद इनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आने लगे और ये थोड़ी बहुत कमाई भी करने लगे और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल भी सपोर्ट करने लगे। लेकिन सफलता तो अभी तक सौरभ का इंतजार कर रही है। 19 फरवरी 2019 को सौरभ ने अपना एक दूसरा चैनल सौरभ जोशी व्लॉग्स खोला और 20 फरवरी 2019 को इन्होंने इस चैनल पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था हाउ आई ड्रॉ MS धोनी। इसके बाद इन्होंने इस चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड किए, लेकिन शुरुआत में इनके इतने अच्छे व्यूज नहीं आया करते थे। लेकिन 2020 इंडिया में लॉकडाउन लग गया, तब इन्होंने डेली व्लॉग करने का सोचा और 365 दिनों में 365 वीडियो अपलोड करने का चैलेंज लिया। इसके बाद सौरभ रोजाना वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद से इनका चैनल बहुत तेज रफ्तार से ग्रो हुआ। आपको बता दें कि सौरभ जोशी की वीडियो का ग्रो होने का एक कारण इनका छोटा भाई पीयूष जोशी भी रहा है, जो इनके साथ हर वीडियो में नजर आता है। सौरभ की हर वीडियो में पीयूष का एक अहम रोल होता है। और दूसरा कारण यह है कि सौरभ जोशी अपने नॉर्मल लाइफ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। दोस्तों अगर बात करें सौरभ जोशी की फैमिली के बारे में तो इनकी फैमिली में इनके माता पिता हैं, जिसमें इनकी माता का नाम हेमा जोशी है। इसके अलावा सौरभ के दादा दादी भी हैं, साथ ही साहिल जोशी इनका सगा भाई है और पीयूष जोशी इनका कजन ब्रदर है। आपको बता दें कि पीयूष सौरभ का सगा भाई नहीं है, वह इनके चाचा का लड़का है। सौरभ के चाचा चाची उत्तराखंड गांव में ही रहते हैं। अगर बात करें सौरभ की गर्लफ्रेंड के बारे में तो फिलहाल इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इन्होंने इस बारे में कभी बात भी नहीं करी है। अगर आपको भी इनकी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।